सुबह थी, चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला कई रोज से जारी था। नन्हा खरगोश अपने बिल में बैठा शदीद भूख महसूस कर रहा था। आज इसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया था। आखिर वो हिम्मत करके बिल से बाहर निकला। बहुत तलाश के बाद इसे एक जगह वो शलगम पड़े हुए मिले। वो बहुत खुश हुआ और घर आकर इसने वो शलगम जल्दी से खाना शुरू किया। एक शलगम खाने के बाद इसे अपनी पड़ोसन पेड़ का ख्याल आया कि वो भी तो बर्फबारी की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी होगी। ये ख्याल आते ही खरगोश अपने घर से बाहर पहुंचा इस वक्त और पेड़ के घर आया। वो में मौजूद ना थी। नन्हे खरगोश ने शलगम वहीं रख दिया और वापस हो लिया। ये सोच करके पेड़ वापस आएगी तो शलगम देखकर बहुत खुश होगी कि इसका कोई हमदर्द दोस्त भी है। अब पेड़ की सुनिए। जब वो खुराक की तलाश में निकली तो इत्तेफाक से इसे एक गोभी पड़ी हुई मिल गई। इसने सोचा कि क्यों ना घर जाकर आराम से लाफ में बैठकर खाऊं। घर पहुंचने के बाद इसने देखा कि इसके घर में एक शलगम रखा है, लेकिन इसने पहले गोभी पर हाथ साफ किए। गोभी खाने के बाद इसका पेट भर गया। अब इसने सोचा कि क्या करे। अचानक इसे ख्याल आया कि कहीं सुनहरा हिरन भूख से न ढाल ना हो। हो सकता है बर्फबारी की वजह से वो भी घर से बाहर ना निकल सका हो। यह सोचकर वो सुनहरे हिरन के घर पहुंची, लेकिन वो भी अपने घर में मौजूद ना था। भेड़ ने शलगम वहीं रखा और वापस अपने घर आ गई। भूख से सुनहरे हिरन की जान निकल रही थी। मजबूर होकर वो घर से निकल खड़ा हुआ था ताकि खुराक तलाश की जाए। काफ़ी देर की कोशिश के बाद वो पालक के अच्छे खासे पत्ते ढूंढने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो इसने देखा कि कोई हमदर्द इसके लिए शलगम छोड़ गया है। इसे फौरन भूखे खरगोश का ख्याल आया तो वो खरगोश के घर गया। इसने देखा कि खरगोश भूखा सोया हुआ है। इसने शलगम खरगोश के सराहने रख दिया। जब खरगोश उठा तो इसने अपने सराहने शलगम पाया। इसे भूख भी शदीद लगी हुई थी। फिर खरगोश ने शुक्र अदा किया और सोचा कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती।